को कोसने वाला तुर्की बहाने लगा आंसू। हिंदुस्तानी जवानों को लौटते देख छलक पड़े आंसू। एनडीआरएफ के जवान ने मोदी को बताया वो भावुक किस्सा। भारत विरोधी तुर्की की आंखों में क्यों आ गए आंसू? यूं ही नहीं कहते, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। भूकंप से तबाह हुए तुर्की और सीरिया की मदद करने वाले देशों में भारत भी शामिल है, जिसने तुर्की की एक पुकार पर तुरंत मदद भेज दी। एनडीआरएफ टीम से लेकर राहत सामग्री पहुंचाने तक मोदी सरकार ने तुर्की की मदद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब हिंदुस्तानी जवान वतन लौट रहे थे तो तुर्की के लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने किस तरह से हिंदुस्तानी जवानों को विदा किया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कहते हैं असली दोस्त की पहचान मुश्किल वक्त में ही होती है, और इस बार हिंदुस्तान ने मुस्लिम देश तुर्की को उसके असली दोस्त से पहचान करा दी। क्योंकि ये बात भला कौन भूल सकता है कि ये वही तुर्की है जिसने कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने का काम किया। मगर इसके बावजूद जब तुर्की में भूकंप के बाद तबाही मची, हजारों लोगों की जान चली गई, तो इस नाजुक वक्त में हिंदुस्तान ने तमाम दुश्मनी भुलाकर सबसे पहले मदद करना बेहतर समझा, और भारतीय वायुसेना के जंबो विमान से एनडीआरएफ की टीम के साथ ही राहत सामग्री भी रवाना की गई। सीने पर तिरंगा लगाए इन जवानों ने ताबड़तोड़ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मलबे में दबे कई लोगों की जान भी बचाई, तो वहीं मेडिकल टीम ने घायलों का इलाज भी किया। यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने के बाद हिंदुस्तान के जवान जब वापस वतन लौट रहे हैं तो तुर्की के अडाना एयरपोर्ट पर तुर्की के लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्हें विदा किया। भारतीय जवानों के लिए तुर्की के एयरपोर्ट पर गूंजती तालियों की ये गड़गड़ाहट तो सभी ने सुनी, मगर इन तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कई लोगों की आंखों से आंसू भी छलक रहे थे। ये आंसू तो किसी को नहीं दिखे, लेकिन जिस जवान ने वतन लौटते वक्त तुर्की के लोगों की आंखों में आंसू देखे, उसने पीएम मोदी के सामने भावुक कर देने वाले पल के बारे में बताया। हमने तो छोटी बच्चियों को रबल से 80 घंटे और 104 घंटे के बाद अर्थक्वेक के निकाला उनको जिंदा। लोगों ने तालियां तो बहुत सुनी जब एयरपोर्ट से हम अपने जहाज की तरफ बढ़ रहे थे, पर किसी ने वहां जो लोग रो रहे थे करा करा के, वो शायद आई थिंक जो है लोगों ने, कई लोगों को पता नहीं होगा कि कितने लोग रो रहे थे जब हिंदुस्तानी को बोल रहे थे कि जब वहां से निकल रहे। हिंदुस्तान के इस जवान की बात से आप समझ सकते हैं कि भीषण भूकंप के झटकों से जूझ रहे तुर्की के लोगों की मदद करने के लिए पहुंची एनडीआरएफ टीम ने जिस तरह से काम किया है, उसने तुर्की के लोगों का दिल जीत लिया। यही वजह है कि ये जवान जब हिंदुस्तान लौट रहे थे तो लोग अपने आंसू नहीं छिपा सके। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही लोगों ने आंसुओं के साथ भी विदा किया, और ये आंसू तभी निकलते हैं जब कोई अपना बिछड़ता है। इसी बात से समझ सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए तुर्की गए हिंदुस्तान के इन जवानों के प्रति तुर्की के लोगों में कितना अपनापन आ गया था। भारत की दोस्ती को तुर्की ने ठोका सलाम। तुर्की में आए भीषण भूकंप से जब चारों ओर तबाही मची थी तो तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाई। इस दौरान सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों में कोई देश था तो वो था हिंदुस्तान, और ये बात खुद तुर्की भी मानता है। इसलिए हिंदुस्तान में तुर्की के राजदूत फिरहाद सुनेल ने खुद एक बयान में कहा था कि जब हमने खोज और बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की मांग की तो भारत प्रतिक्रिया देने वाले पहले देशों में से एक था। दोस्त ही एक दूसरे की मदद करते हैं। बहरहाल जिस तरह से मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान ने तुर्की की मदद की है, उसे देख कर यही बात याद आती है, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। और उम्मीद है कि इसी तरह हिंदुस्तान मुश्किल में फंसे देशों की मदद करता रहेगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पर चलता है, जिसका मतलब है पूरी धरती एक परिवार है, और परिवार पर जब मुश्किल आएगी तो भला भारत मदद करने में कैसे पीछे रह सकता है। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सब
मानवता के लिए एक बहुत बड़ा काम करके भारत का नाम रोशन करके लौटे हैं। ऑपरेशन दोस्त से जुड़ी पूरी टीम, एनडीआरएफ हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो या हमारी दूसरी सेवाओं के साथी हो, सभी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और यहां तक कि हमारे बेजुबान दोस्तों डॉग स्क्वाड्स के सदस्यों ने भी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया है। आप सभी पर देश को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी है और ये मंत्र जिस श्लोक से निकले हैं वो बहुत ही प्रेरक है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात बड़े हृदय वाले लोग अपने पराये की गणना नहीं करते, उदार चरित्रवानों के लिए पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार होती है। यानी वो जीव मात्र को अपना मानकर उनकी सेवा करते हैं। साथियों, तुर्की हो या फिर सीरिया हो, पूरी टीम ने इन्हीं भारतीय संस्कारों का एक प्रकार से प्रकटीकरण किया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। ऐसे में परिवार के किसी भी सदस्य पर अगर कोई संकट आए तो भारत का धर्म है, भारत का कर्तव्य है उसकी मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ना। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। साथियों, प्राकृतिक आपदा के समय इस बात का बहुत महत्व होता है कि सहायता कितनी तेजी से पहुंचाई गई। जैसे एक्सीडेंट के समय गोल्डन आवर कहते हैं, इनका भी एक गोल्डन टाइम होता है। सहायता करने वाली टीम कितनी तेजी से पहुंची।